ऐसा लग रहा है कि सरकार में भाजपा के जो सरकार के सहयोगी या सरकार के जो मंत्री हैं उनकी आपस में निबंबर है, क्योंकि अभी अनिल विज का भी ये बात आई थी सामने कि वो भी अपना अनिल विज ने 300 कुछ जो है आईओ सस्पेंड करें। उस अनिल विज से ये पूछो कि तैने एक वायदा किया था पुलिस के साथ कि हमारी सरकार बनने के बाद पंजाब के सम्मान वेतन मान दिलाऊंगा, उसके लिए कमेटी बनाई थी इसने, क्या वो उस कमेटी वो क्यों नहीं किया? ये जो आईओ सस्पेंड किए हैं ये आईओ का दोष नहीं है, किसी का, किसी पुलिस कर्मचारी का दोष नहीं है इसमें। इसके लिए दोषी हैं तो ये राजनेता लोग हैं, ये जानबूझ करके किसी ना किसी केस को अटकाते रहते हैं, यही आईओ को मजबूर करते हैं, यही पुलिस अधिकारियों को मजबूर करते हैं कि आप इसको एक बार ठंडे बस्ते में डाल दें। आज उसी की वजह से उन सब का नुकसान हुआ है। पहले अपने आप को ठीक करो, फिर पुलिस को ठीक करने की बात सोचना। SYL का पानी ये सरकार नहीं ला सकते, ये मेरे से लिख करके ले लो आप। SYL का पानी आएगा जिस दिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी और हम सरकार के गेटवे में अंगूठा डाल करके पानी ले जाएंगे, केंद्र के भी और पंजाब के भी। अगर कोई हमारा पानी रोक सकता है हम उसके रास्ते बंद कर देंगे, अगर कोई हमें पानी देने में दिक्कत और कठिनाई पैदा करता है हम उसका पानी बंद कर देंगे। हम दिल्ली का पानी बंद करेंगे, पंजाब के रास्ते बंद करेंगे, SYL का पानी हरियाणा को मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता। ये मिलेगा तभी जब हमारी गवर्नमेंट बनेगी, अदरवाइज कांग्रेस ने भी बहुत लंबा समय निकाला 10 साल तक केवल राजनीति में, और अब भाजपा 10 साल से राजनीति कर रही और कुछ नहीं। 5 नवंबर का जो कार्यक्रम कर रहे हो स्टेट लेवल का, पोते का निमंत्रण देने के लिए भी पहुंचे, तो कहीं ना कहीं वो लगता है कि पार्टी को एकजुट या एक संगठन करके कुछ और नहीं। मेरा सामाजिक कार्यक्रम है, हर चीज़ में राजनीति थोड़ी होती है। लोगों का अगर मेरे साथ लगाव है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के प्रति कोई श्रद्धा है तो लोग आएंगे। कोई हर चीज़ राजनीतिक तौर पर, और बहुत लोगों ने फंक्शन किए हुए कामयाब किए।